सब आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज मैं आपके लिए जो चैप्टर लेके आया हूँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, जिसको हम प्यार से आईबीसी भी बोलते हैं, उसके जो सिग्निफिकेंट केस लॉज हैं उनकी आपके लिए क्रक्स वीडियो लेके आया हूँ, जैसे मैं रेरा की भी लेके आया था। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से सारे के सारे जितने भी सिग्निफिकेंट केस लॉज आईसीए ने डाले हैं, मैंने क्रक्स में उसके क्वेश्चंस और आंसर्स बता दिए हैं, और आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे ही मैं आईबीसी के भी केस लॉज को आपके सामने लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस लॉ, जो स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के बारे में बात करता है। इसके अंदर जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये कहता था कि क्या आईबीसी अनफेयर है ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए एज कम्पेयर टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन उठा था वो ये उठा था कि क्या हमारा जो आईबीसी लॉ है वो हमारा डिस्क्रिमिनेटरी है टू द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एज कम्पेयर टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो इसका कंक्लूजन ये निकला था कि जो हमारा आईबीसी है वो किसी भी तरीके से कोई भी आर्टिकल वॉलेट नहीं करता है, और वो किसी भी तरीके से ऑपरेशनल क्रेडिटर के अगेंस्ट में नहीं है, ना ही उसके लिए डिस्क्रिमिनेटरी है। तो आप इतना ध्यान रख लीजिएगा कि ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। वैसे इसके कम चांसेस है कि पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आए, लेकिन फिलहाल मैंने आपको बता दिया, जिसकी वजह से आपको इतना सारा ना पढ़ना पड़े। सेम सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के लिए आईबीसी लॉ जो है हमारा वो डिस्क्रिमिनेटरी है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो इसमें सीधा सीधा जवाब कोर्ट का यह आया कि इट डज नॉट वायलेट एनी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी एज कम्पेयर टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। अगर आपका फिर भी मन करे तो सिर्फ ये वाला फिफ्थ पॉइंट जो है आप एज अ कंक्लूजन रीड कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड केस लॉ हमारे पास आया, पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड अनदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्वेश्चन जो उठा वो ये उठा कि क्या हमारे जो होम बायर्स होते हैं, जो घर खरीदते हैं, उनको हम फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बोल सकते हैं क्या? हमारे दूसरा क्वेश्चन ये उठा कि क्या हमारे होम बायर्स जो होते हैं उनके पास सेपरेट रेमेडी अवेलेबल है रेरा एक्ट में फॉर देयर ग्रीवेंस रिड्रेसल। और तीसरा केस ये उठा कि जो ये एडवांस पेमेंट देते हैं इसको एज अ फाइनेंशियल लैंडिंग हम ट्रीट कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो इसका जो कंक्लूजन था हम सबको पता है, जैसा अमेंडमेंट आ भी गया था आईबीसी 2016 में, जहां बोला गया था कि जो हमारे होम बायर्स होते हैं उनको भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स माना जाएगा, और जो ये पैसा जमा करते हैं एडवांस पेमेंट इसको फाइनेंशियल लैंडिंग की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। रेरा एक्ट में तो इनको आराम से अपनी जिस हिसाब से रेरा एक्ट में जो जो समाधान है, जो जो सॉल्यूशन है, उन सबकी तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। साथ में ये आईबीसी 2016 के तहत भी एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर सेक्शन नंबर 7 में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं एनसीएलटी के सामने। तो इसका क्रक्स ये था। इसके बाद तीसरा हमारे पास जो केस लॉ आता है वो आता है मैक्वेरी बैंक लिमिटेड वर्सेज शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसके अंदर ये क्वेश्चन उठा था कि क्या लॉयर जो है वो फाइल कर सकता है उसके बिहाफ पे एप्लीकेशन आईबीसी 2016 में, क्या एक वकील फाइल कर सकता है एप्लीकेशन? और साथ में इसके अंदर एक और क्वेश्चन उठा था कि सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 जो होता है, सबसेक्शन 3C जो होता है कोड का, क्या वो हमारा मैंडेटरी नेचर होता है? जो सेक्शन नंबर 9 हमारा होता है जिसके केस में हम ये पढ़ते हैं, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स उसको फाइल करने होते हैं, क्या वो मैंडेटरी नेचर है? तो हम सबको पता है आईबीसी में अमेंडमेंट आ गई और ये बोल दिया गया था कि वो मैंडेटरी नेचर नहीं होते डॉक्यूमेंट्स देना, अगर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो ही ऑपरेशनल क्रेडिटर अगर वो इंफॉर्मेशन देगा तो ही चलेगा, मतलब अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तभी देना है, मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि पहले अमेंडमेंट से पहले ऐसा होता था कि कुछ स्टेटमेंट्स बैंक की स्टेटमेंट्स होती थी या कोई भी स्टेटमेंट्स होती थी जो प्रूफ्स वगैरह होते थे वो मैंडेटरीली देने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा बोल दिया कि उसकी जगह कुछ और भी अगर होगा ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास जो ये प्रूफ कर दे कि उसको पेमेंट नहीं मिली है तो वो भी हमारे लिए चलेगा। तो मतलब वो सारे जो 9(3)C में बोला गया है वो मैंडेटरी नेचर नहीं है। और एक क्वेश्चन इसके अंदर ये था कि क्या लॉयर जो है वो सेक्शन नंबर 8 में ऑपरेशनल क्रेडिटर के बिहाफ पे एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, जो सेक्शन नंबर 8 के ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं उनके बिहाफ पे फाइल कर सकता है। तो ऐसा बोला गया कि लॉयर फाइल कर सकता है और सेक्शन नंबर 9(3)C जो है वो मैंडेटरी नेचर नहीं है। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन था। इसके बाद हमारा फोर्थ केस लॉ आता है, जो छोटा सा केस लॉ है, इसमें सिंपल सी बात बोली गई, बीके एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स का केस था, जिसके अंदर ये पूछा गया कि जो हमारा लिमिटेशन एक्ट 1963 है क्या वो जब से आईबीसी आया था तब से एप्लीकेबल है? तो यहाँ पर कोर्ट का जवाब यही आया कि जो हमारा जब से कोड आया था, मतलब जो जब से आईबीसी 2016 आया था तब से ही हमारा लिमिटेशन एक्ट 1963 कोड पे अप्लाई करता है। लिमिटेशन एक्ट जानना इसलिए जरूरी होता है कि हमारा एक टाइम पीरियड निकलने के बाद हम क्लेम नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इस केस लॉ में ये बताया गया कि जब से हमारा आईबीसी 2016 आया था तब से ही उसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाई करता है। कंक्लूजन में भी यही बात आईसीए ने भी लिखी हुई है बोल्ड लेटर्स में। फिफ्थ केस लॉ हमसे कहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस वी रामकृष्णन, जिसके अंदर ये बोला गया, इसका क्वेश्चन ये था कि क्या सेक्शन नंबर 14 दैट इज मॉरिटोरियम पर्सनल गारंटर पर भी अप्लाई करता है? ये हर बच्चे को पता है क्योंकि ये बात एक्ट में भी लिखी हुई है कि वो पर्सनल गारंटर पर सेक्शन नंबर 14 अप्लाई नहीं करता। तो अगर आईसीए ने ये क्वेश्चन पूछा तो आप इस केस लॉ का रेफरेंस देते हुए बोल सकते हो कि एज पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेज रामकृष्णन उसमें ऐसा बोला गया था कोर्ट के द्वारा भी कि हमारा जो
पर्सनल गारंटर होता है उसके ऊपर सेक्शन नंबर 14 अप्लाई नहीं करता। तो ये इसका कंक्लूजन था। इसके बाद हमारा अगला जो केस लॉ आता है वो आता है 6th, जिसका मोबिलॉक्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस किरोसा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। इसका क्वेश्चन ये था कि क्या वेदर एंड टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब किस एक्सटेंट तक और क्या एनसीएलटी जो है वो क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट तक जा सकता है, मतलब वेदर एंड टू व्हाट एक्सटेंट द एनसीएलटी गो इनटू द क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिस्प्यूट, तो किस हद तक जा सकता है। इसको आप याद नहीं रखेंगे केस लॉ को तो भी चलेगा, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर रीजंस ये बोले गए थे कि जो हमारा ऑपरेशनल डेट होता है वो हमारा जो डिफाइंड है कोड में वो हमारा अगर एक्सीड करता है 1,00,000 रुपए से, मतलब अब तो इसकी लिमिट 1 करोड़ बढ़ा के कर दी गई है, ये उस टाइम का केस लॉ था जब 1,00,000 की लिमिट थी, ठीक है। क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो फर्निश करे गए हैं एप्लीकेशन में वो शो करते हैं कि डेट जो है अभी भी ड्यूड है और पे नहीं हुआ है, और उसके अलावा क्या एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट है। तो ये तीन चीजें देखी जाती हैं जब भी ऑपरेशनल जो क्रिएटर होता है वो फाइल करता है। तो यही चीज है इसके अंदर बोला गया कि द नोटिस ऑफ द डिस्प्यूट वॉज नॉट जेन्युइन बिटवीन द पार्टीज, मतलब सिंपल सी चीज अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं तो इसके अंदर बोला गया व्हाइल डिटरमाइनिंग द पॉइंट ऑफ व्यू द सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो ये देखे कि प्लॉसिबल कंटेंशन विच रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड दैट द डिस्प्यूट इज नॉट पेटेंटली फेबल आर्ग्यूमेंट और एन असर्शन ऑफ फैक्ट अनसपोर्टेड बाय एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ द अबव सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दी अपील एंड सेट असाइड कर दिया जो भी ऑर्डर था हमारा एनसीएलटी का, ठीक है। तो ये बात मैं अगर आपको बताऊं तो ये केस लो आपका इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे तो भी चलेगा। बस इसके अंदर इतना ही बोला गया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट के एक्सटेंट तक, किस एक्सटेंट तक एनसीएलटी जा सकता है, तो ऐसा बताया गया कि अगर डिस्प्यूट है तो आप जा सकते हो एनसीएलटी के पास, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते, ठीक है। और रीजंस बता दिए गए, ये तीनों रीजंस हमारे जो की रेशियो डिसेंडी में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला जो आया केस लॉ वो है 7th केस लॉ, जिसमें ये बोला गया केस शशिधर वर्सेज इंडियन ओवरसीज बैंक एंड अदर्स। इसके अंदर जो क्वेश्चन क्रिएट हुआ वो ये क्रिएट हुआ था कि जो अमेंडमेंट आई थी, पहले क्या होता था रेजोल्यूशन प्लान जो होता था ना वो 75% लोग अगर अप्रूव करते थे तभी अप्लाई होता था, लेकिन उसमें अमेंडमेंट करके 66% कर दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन जो उठा था इस केस में ये क्वेश्चन उठा था कि क्या जो अमेंडमेंट हुई है 75% से 66% की कमिटी ऑफ क्रिएटर्स के अप्रूवल की, वो जो पीछे से एप्लीकेबल होगी क्या उसकी जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुई है। तो इसी केस लॉ में ये बोला गया कि नहीं, जो भी इट क्लियरली मींस जो अमेंडमेंट करी गई है रिड्यूस करने की वोटिंग शेयर को 66% से 75% की फॉर पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इज नॉट एप्लीकेबल बिफोर द अमेंडमेंट केम, मतलब जब आपकी अमेंडमेंट नहीं आई थी तब के लिए उस पर एप्लीकेबल नहीं है, मतलब प्रोस्पेक्टिवली इसकी अप्लाई किया जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं किया जाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी ध्यान नहीं रखना, और यह केस लो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको यह ध्यान रखना है कि जो हमारा 75% से 66% हुआ था वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं था, प्रोस्पेक्टिवली ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगला केस लो आता है 8th नंबर, एम रविंद्रनाथ रेड्डी वर्सेज जी किशन एंड अदर्स, जिसके अंदर यह क्वेश्चन उठा था कि क्या लैंडलॉर्ड जो प्रोवाइड कर रहे हैं लीज उनको विल बी ट्रीटेड एज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कॉर्पोरेट डेटर, और क्या उन्हें ऑपरेशनल क्रेडिटर माना जाएगा आईबीसी 2016 में, मतलब जो लैंडलॉर्ड होते हैं क्या उनको ऑपरेशनल क्रेडिटर माना जा सकता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर यह बोला गया था कि क्या पेटिशन जो फाइल करी गई है सेक्शन नंबर 9 में किसके द्वारा फाइल करी जाती है, सेक्शन नंबर 9 में कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा इन द आईबीसी वो इज नॉट मेंटेनेबल ऑन अकाउंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट, क्या अगर प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है तो क्या वो मेंटेनेबल है या नहीं है। तो सिंपल सी चीज इसके अंदर यह बोली गई, पहले वाले का सॉल्यूशन यह दिया गया कि जो हमारे लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनको ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं माना जाएगा, क्यों, क्योंकि जो रेंट होता है उसको ऑपरेशनल डेट की डेफिनेशन में नहीं डाला गया, रेंट को ऑपरेशनल उसकी ऑपरेशनल क्या नाम है ऑपरेशनल डेट की डेफिनेशन में नहीं डाला गया है। अगर आप इसको पढ़े ये वाली लाइन, द एनसीएलटी हेल्ड दैट द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर डिड नॉट गिव स्कोप टू द इंटरप्रेट रेंट ड्यूज एज ऑपरेशनल डेट, तो लैंडलॉर्ड को ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं माना जाएगा, वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर ये था कि वेदर द पेटिशन filed under section 9 of the IBC 2016 is not maintainable on account of pre-existing due, तो ऐसा इसके अंदर मना कर दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, फाइल करी जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारे दो थे जो इसके सॉल्यूशंस थे, बहुत ही सिंपल कंक्लूजन दिया गया। मेन बात आपको ये याद रखनी है कि ऑपरेशनल जो क्रेडिटर्स होते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए लैंडलॉर्ड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हो सकते हैं तो आप मना कर दीजिएगा कि लैंडलॉर्ड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स नहीं हो सकते, क्योंकि एनसीएलटी ने ये बोला था कि जो डेफिनेशन होती है ऑपरेशनल क्रेडिटर की उसमें स्कोप नहीं है कि रेंट ड्यूज जो है एज ऑपरेशनल डेट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला केस लॉ आता है जिसमें महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड वर्सेस पद्मानभन वेंकटेश एंड अदर्स, जिसके अंदर क्वेश्चन क्या था मैं आपको बता दूं, इसके अंदर यह क्वेश्चन था कि जो स्कीम है आईबीसी 2016 की
वो कंटेम्पलेट करती है दैट द सम फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान शुड मैच द लिक्विडेशन वैल्यू। मतलब इसके अंदर क्वेश्चन ये उठा था कि जो रेजोल्यूशन प्लान का वैल्यू है, जो उसका वैल्यू आ रहा है, क्या वो लिक्विडेशन एस्टेट के वैल्यू से मैच करना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन ये बोला गया था कि वेदर सेक्शन नंबर 12A इज द एप्लीकेबल रूट थ्रू विच सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कैन रिट्रीट। मतलब क्या रेजोल्यूशन सेक्शन नंबर 12A में जो बोला गया है कि आप जो आप एप्लीकेशन फाइल करके अपने रेजोल्यूशन एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हो, क्या वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के लिए भी एप्लीकेबल है सेक्शन नंबर 12A। तो दोनों के सॉल्यूशन दिए गए और बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन दिया गया जो मैं आपको बता दूंगा इसका क्रक्स क्या है। आप जब कंक्लूजन पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको जवाब मिल जाएगा। और बहुत सिंपल सा बोला गया कि कोई भी प्रोविजन ऐसा कोड में नहीं है या रेगुलेशन कोड में नहीं है जहां पर यह बोला गया हो कि आपको लिक्विडेशन एस्टेट को मैच करना है जो हमारा रेजोल्यूशन प्लान में होगा। तो कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं बोला गया कि रेजोल्यूशन प्लान का जो सम है टोटल है अमाउंट का वो मैच करना चाहिए जो हमारी लिक्विडेशन की वैल्यू है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर एक छोटी सी बात और बोली गई कि जो सेकंड क्वेश्चन था कि वेदर सेक्शन नंबर 12A इज द एप्लीकेबल रूट थ्रू विच अ सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कैन रिट्रीट। तो यहां पर इशू नंबर 2 के जो पहली लाइन है इसी के अंदर जवाब दिया गया और बोला गया सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि जो एग्जिट रूट प्रिस्क्राइब है सेक्शन नंबर 12A में वो एप्लीकेबल नहीं है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के लिए, वो सिर्फ सेक्शन नंबर 7 वाले लोगों के लिए है, मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए है, सेक्शन नंबर 9 के लोगों के लिए है, मतलब किसके लिए है, ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए है, और सेक्शन नंबर 10 के लिए है, मतलब कॉर्पोरेट डेटर के लिए है। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट सेक्शन नंबर 12A की आड़ लेके इस एक्ट से बाहर कोड से बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। इसके बाद हमारा 10th केस लॉ आता है जिसके अंदर ये बोला गया विजय कुमार अग्रवाल एक्स डायरेक्टर ऑफ मैसर्स जेनिग्रो कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस SBI एंड अनदर्स। इसके अंदर क्या क्वेश्चन आया था, इसके अंदर क्वेश्चन ये था कि क्या डेटर प्लस गारंटर दोनों पर CIRP हो सकता है, दैट इज CIRP द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस हो सकता है सेम क्लेम के बेसिस पर। तो इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनेगा, इसमें क्वेश्चन ये उठा था कि क्या डेटर कॉर्पोरेट डेटर प्लस गारंटर दोनों पे आप केस कर सकते हो क्या सेम क्लेम के बेसिस सेम क्लेम के लिए, ठीक है। तो यहाँ सेक्शन 7 के में फाइनेंशियल क्रेडिटर का क्लेम डाल सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही सरलता से जवाब देते हुए बोला गया कि वैसे तो आप कितनी भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, ठीक है, IBC में कोई मना नहीं है, लेकिन सेम क्लेम के लिए सिर्फ एक ही इंसान के ऊपर एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। तो आप चॉइस है आपकी, चूज कर लीजिए कि कॉर्पोरेट डेटर पे फाइल करनी है या गारंटर पे फाइल करनी है। अमूमन ऐसा होता है कॉर्पोरेट डेटर पे ही फाइल करी जाती है, गारंटर से बाद में वसूला जाता है। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, पहले हम उसी बंदे से वसूलेंगे ना जिससे हमने पैसे दिए थे जिसको, उसके बाद गारंटर से तो वसूल लेंगे, उसके ऊपर तो मॉरेटोरियम भी अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी होगी आपको। केस लॉ नंबर 11 कहता है फ्लैट बायर्स एसोसिएशन विंटर हिल्स 77 गुड़गांव वर्सेस उमंग रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। इसके अंदर इशू क्या हुआ था, इसके अंदर इशू हुआ था कि क्या CIRP अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर स्टार्ट होता है तो क्या दूसरे प्रोजेक्ट पे भी कंपनी के असर डालता है वो। तो इसके अंदर यह हुआ था कि एक कंपनी थी जो बिल्डर होगी उसके ऊपर केस कर दिया किसी ने, ठीक है, उसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दी IBC 2016 में। तो कहता है कि क्या एक प्रोजेक्ट की वजह से दूसरे प्रोजेक्ट पे भी आंच आएगी क्या उसकी, तो साफ मना कर दिया गया कि दो प्रोजेक्ट को आपस में नहीं जोड़ा जाएगा, जो नीट एंड क्लीन है उसके ऊपर इसके गंदे वाले की आंच नहीं आएगी। तो मतलब CIRP जो है एक ही प्रोजेक्ट के अगर अगेंस्ट में फाइल हुआ है तो दूसरे प्रोजेक्ट का उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा 12th केस लॉ जो आता है वो ये कहता है सावन गोदीवाला वर्सेस मिस्टर अपाला सेवा कुमार, ठीक है। इसके अंदर क्या बोला गया, इसके अंदर क्वेश्चन ये उठा कि क्या लिक्विडेटर ग्रेचुटी की पेमेंट करेगा अगर कंपनी ने उसका अलग से फंड नहीं बनाया था तो। मतलब अगर लिक्विडेशन में आपकी कंपनी जा चुकी है और ग्रेचुटी का क्या वो पेमेंट करेगा अगर आपने आपकी कंपनी ने ग्रेचुटी का अलग से कोई फंड नहीं बनाया था। तो इसका कंक्लूजन ये बोला गया कि ग्रेचुटी जो होता है कभी भी लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट नहीं बनता है, तो उसको उसकी पेमेंट नहीं करी जाएगी लिक्विडेटर के द्वारा, मतलब वो लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कहीं डाल के कि लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट बनेगा क्या ग्रेचुटी, ऐसा कोई बोल रहा होगा तो आपसे ICAI क्वेश्चन फ्रेम करके बोल सकता है कि ऐसा XYZ ने बोला है कि ग्रेचुटी के पैसे को भी हमारा लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट बनाइए और हमें पैसा चाहिए ग्रेचुटी का। तो आपको साफ साफ मना करना कि ऐसा नहीं हो सकता इस केस लॉ का नाम लेते हुए सावन गोदीवाला वर्सेस मिस्टर अपाला शिवा कुमार कि ऐसा बोला गया था कि PF हो गया, पेंशन फंड हो गया और ग्रेचुटी फंड हो गया उसे लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट नहीं माना जाता है और वो उसकी कैपेसिटी में नहीं आता तो उसकी पेमेंट नहीं करी जाएगी लिक्विडेशन एस्टेट मानकर, ठीक है। अगला केस लॉ आता है JSW स्टील लिमिटेड वर्सेस महेंद्र कुमार खंडेलवाल एंड अदर्स। इसमें केस लॉ ये क्वेश्चन ये कहता है क्या अगर किसी बंदे का IBC का प्लान रेजोल्यूशन प्लान अगर अप्रूव हो गया है, इसके अंदर
इशू ये था कि अगर आपका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया है तो क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ पामला, दैट इज पामला कौन सा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर साफ मना करा गया कि आपकी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जा सकता अगर आपका प्लान जो है अप्रूव हो गया है विदाउट अप्रूवल ऑफ NCLAT, NCLAT की अप्रूवल के बिना जो है अटैचमेंट नहीं हो सकती पामला के तहत, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि IBC का प्लान अगर किसी का एक्सेप्ट हो गया तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रॉपर्टी को तभी अटैच कर पाएगा जब उसने NCLAT की अप्रूवल ले ली हो। ठीक है, केस लॉ नंबर 14 आता है जो बात करता है सगुफा अहमद वर्सेस अपर असम प्लाईवुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की। इस केस लॉ में क्या बोला गया, इस केस लॉ में यह बोला गया था, मैं अगर आपको इस केस लॉ का क्रक्स बताऊं तो इस केस लॉ में यह बोला गया था, एक केस फाइल किया गया था, ठीक है, और उसके बाद उसका फैसला आया। ठीक है, इसमें जो नाम था मिस्टर गुंजन सिंह नाम था उसका, जिसके पास ऑर्डर आया, अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट में ना उसे अपील करनी थी। ठीक है, तो अपील करनी थी, तो अपील का टाइम पीरियड 45 डेज था। ठीक है, वुड ओनली, तो इसके अंदर जो पंगा बैठा वो ये बैठा कि क्योंकि कोविड का टाइम आ गया और कोर्ट के सेपरेट डिसीजन, कुछ मेजर्स के डिसीजंस आ गए कि इस पीरियड को आगे बढ़ा दो, उस पीरियड को आगे बढ़ा दो, तो मिस्टर गुंजन सिंह ने इस बात पे कंटेंशन दिया कि हमारा जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कोर्ट के द्वारा है वो अपील के लिए भी अप्लाई होगा। ठीक है, अपील वाले हिस्से के लिए भी अप्लाई हो गया। तो दो इशू इसके अंदर क्रिएट हुए, जिसके अंदर ये बोला गया द काउंसिल फॉर द अपीलेंट्स मिस्टर गुंजन सिंह कंटेंडेड दैट लिमिटेशन फॉर एन अपील दैट इज 45 डेज जो होंगे वुड ओनली स्टार्ट फ्रॉम द डे व्हेन द पार्टी रिसीव्स द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। मतलब इसके अंदर ये बोला गया कि गुंजन सिंह ने पहली कंटेंशन तो ये डाली कि जिस दिन मुझे ऑर्डर मिला कोर्ट से जिसके अगेंस्ट में मुझे अपील करने जाना है, ठीक है, उसके 45 डेज वहां से स्टार्ट होंगे जब मुझे रिसीव हुआ। दूसरी कंटेंशन जो मिस्टर गुंजन सिंह ने डाली दैट ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक एंड इन accordance with the SC order on 23 March 2020 which was limitation prescribed under the general law or special law whether condonable and not shall stand extended with effect from 15 March 2020 till further order so their application for condonation of delay would be allowed। अब यहां पर दो application डाली गई इसके द्वारा, मतलब दो issues create हुए यहां पर। ठीक है, तो पहले जो issue था जिसके अंदर ये बोला गया कि 45 days जो होंगे वो start तब होंगे जब party receives करती order of the court, तो ये बात उसकी सही बोली गई। ठीक है, लेकिन यहां पर इस case law में क्या हुआ था कि जब से आपको receive हुआ, बिल्कुल सही बात है, आपको जब receive हुआ वहां से 45 days count होंगे, लेकिन इस question में ऐसा हुआ था, इस case law में ऐसा हुआ था कि गुंजन सिंह ने क्या हुआ था, receive होने के बाद भी ना बहुत तक वेट किया, पता नहीं किस चीज का, वो भूल गई होगी या कुछ भी हो गया होगा, तो उसके बाद जाके अपील करी। तो यहां पर यही फैसला दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अपीलेंट की गलती है, मतलब गुंजन सिंह की गलती है कि उसने इंतजार किया और अपील फाइल नहीं करी, जैसे ही ऑर्डर मिला उसके बाद भी कई दिन तक उसने वेट किया, इसीलिए 45 डेज का आपको ये लिमिटेशन वाला कुछ अप्लाई नहीं होगा और आप कोई भी बहाना नहीं चलेगा, आपको तभी फाइल करना चाहिए था जिस दिन आपको ऑर्डर मिलता है। ठीक है, जिस दिन आपको ऑर्डर रिसीव हुआ उसी दिन से 45 दिन काउंट होंगे और बीच में कोविड का बहाना आ गया था, मतलब कोविड आ गया था, उस बात को लेकर आप एक्सटेंशन क्लेम नहीं कर सकते। सेकंड जो आपका वो था, सेकंड केस में ये बोला गया था, ठीक है, जो क्वेश्चन था वो ये था कि गुंजन सिंह ने ये कंटेंट किया कि COVID-19 की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो लिमिटेशंस लगाई थी वो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, इसलिए उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होनी चाहिए 45 डेज के बाद भी। तो कोर्ट ने ऐसा बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, जो हमने ऑर्डर दिया था पीरियड ऑफ लिमिटेशन का, हमने पीरियड ऑफ लिमिटेशन को एक्सटेंड किया था, हमने किसी भी डिले पीरियड को एक्सटेंड करने का नहीं कहा था, मतलब जो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्ट है ना उसको आगे करने का कहा था, हमने ये नहीं कहा था कि आपका किसी लॉ में अगर कोई पीरियड बोल रखा है 45 डेज उसको आगे एक्सटेंड कर दो। तो अगर मैं कंक्लूजन पढूं तो बहुत इजी कंक्लूजन है, कहता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एपलेट ट्रिब्यूनल डिड नॉट एर इन द कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी एंड दैट इट वॉज द फेलियर ऑफ द appellants themselves टू फाइल एन अपील ऑन और बिफोर द stipulated टाइम got over। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, जब से आपको रिसीव हुआ था तब से आपको कर देना चाहिए था, आप इतने दिन तक कहाँ वेट करे थे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड कंटेंशन, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, जो ऑर्डर पास किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो 23 मार्च को सिर्फ इसलिए किया गया था, ओनली फॉर द एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड नॉट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ पीरियड अप टू विच डिले कैन बी कंडोन्ड इन एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन कन्फर्ड बाय द लॉ। ठीक है, तो ये कंक्लूजन था, बहुत ही इजी कंक्लूजन था, मैंने आपको एक बार केस लॉ समझाने की भी कोशिश करी बहुत ही इजीएस्ट फॉर्म में और मोटी मोटी बात बता दी कि अगर आपके पास आ गया है रिसीव हो गया वहां से 45 डेज होंगे, लेकिन आपने अपनी गलती की वजह से अगर उसको लेट में सबमिट किया तो उसके लिए आपको कोई कंडोनेशन नहीं मिलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, वैसे ही इंपॉर्टेंट केस लॉ नहीं है लेकिन कोविड का टाइम चल रहा है तो हो सकता है ICICI इसमें से कुछ पूछ ले, मेरे को इसके आने के चांसेस कम लगते हैं क्योंकि स्पेसिफिकली जो है एक्ट से
जुड़ता हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से केस लॉज इंपॉर्टेंट है, जिसे आप देख के चले जाइएगा अगर आपके पास टाइम हो तो, ठीक है। आपका केस लॉ 14 इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी अभी पढ़ाया आपको, ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा। 13 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 13। उसके बाद 12th आपका इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा 11th आपका इंपॉर्टेंट है, 10th आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 7th आपका इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा 5th आपका इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा अगर 3rd आपका इंपॉर्टेंट है, 2nd आपका इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। इतने आपको जो है थोड़े इंपॉर्टेंट्स हैं, इनको एक बार रीड कर लीजिएगा, और इस ऑडियो को अगर आप सुन लेंगे तो आपका काफ़ी हेल्प हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।